से प्यारी लली प्राण से प्यारी जल लेने जाओगे वो परिचित है वो तुम्हें हरगिज आने नहीं देगा। आज मेरे भगवान श्रोता हुआ गया नबल नहीं बोली पिताजी बबल में तो नागिन बन जाऊंगी बिल में छुप जाऊंगी देखे वो कैसे हमें पकड़ ले ले जब अब दिया पकड़ लेगा कैसे बासुक बोले सुनो लाली अरे लली सफेदा का रूप धारण कर लेगा तो मैं बिल्कुल आने नहीं देगा। जवाब दिया पिताजी तो हम कुछ और रूप धारण कर लोगे क्या? सुनो ना मेरी बात अरे पिता मैं तो मछली बन जाऊंगी बबल में मछली बन जाऊंगी मछली बन जाऊंगी जल के बीच में बासुक से कह रही है नवल दे मुझे परीक्षित नहीं पकड़ पाएगा। जवाब दिया बिल्कुल पकड़ लेगा कैसे तब बासुक ने जवाब दिया लाली मेरी बड़ी अरे लली चोंच में दबा करके उड़ जाएगा बेटी तुम उससे निकल नहीं पाओगे क्योंकि हमारा कहने का तात्पर्य है बेटी वो गुरु धनवंतर का शिष्य है इसलिए। जवाब दिया पिताजी हमें भी तुम हल्के में ले ले हो क्यों इस सब सब अरे अरे बोल रहे हो कन्या बन जाओगी बोल रहे हो कन्या बन जाओ
जवाब दिया पिताजी मैं कन्या बन जाऊंगा और कन्या बन करके मैं तो मैया की गोदी में छुप जाऊंगी, देखे हमें कैसे पकड़ ले। जवाब दिया बेटी फिर भी पकड़ लेगा कैसे, वो पकड़ लेगा गुरु धनवंतर का शिष्य है। तुम कितना जानती हो मुझे पता है, वो तुम चार गुने आगे है। आज मेरे भूप श्रोताओं नवल देने के बाद जब वासुदेव की नहीं माने तो नवल देव वहां गागर ली, जवाब दिया नहीं मान रही है बेटी तो चली जा लिया जल लेने के लिए जैसे ही गई है और उस कुंड में जैसे ही गागर भरी है और गागर भर के जैसे ही चली है तब तक परीक्षित ने आवाज दे दी पीछे से, कौन हो? अरे तुम तो इतना भी बोध होना चाहिए, यहाँ पर कोई रहता भी है तुम आई लेके चल रही, क्या मतलब है? पीछे मुड़ के जैसे ही देखा जवाब दिया ये तो पिताजी कह रहे थे बोल बस परीक्षित आ गया। अब क्या क्या करें? बिल्कुल तत्काल ही समय नहीं बताया, मछली का रूप लिया उसी कुंड में बैठे। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं बहुत जादू दिखा रही है मुझे। अब ऐसा करते हैं तत्काल ही बगुला रूप लिया, बगुला बन करके चोंच में दबा लिया, आकाश में उड़ गए। आकाश जैसे ही उड़े हैं परीक्षित जब आई मौसम छूट गई, जमीन पर गिर गई, जमीन पर जैसे ही गिरी है पतली नागिन बिल में घुस घुस रही है। और जब बिल में गली परीक्षित महाराज तत्काल ही सपेरे का रूप लिया, बैन बजाया पकड़ ली नहीं निकलने दी, जब कोई पेश नहीं गई तो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया महाराज मुझे पहचाना नहीं पिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जवाब दिया अबे तो हमारी शादी नहीं भाई, पति कैसे हो गए और तुम्हारी पत्नी कहाँ से आई गई? जवाब दिया कुछ पिछली याद करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारी और आपकी तो शादी गर्भ में नहीं हुई। जब हम और आप गर्भ में थे तभी हम लोगों की शादी हो गई थी, पर कलयुग रूप भी नहीं हो पाई, जो दिखने वाली होती है शादी वो नहीं हो पाई, और तो शादी सब घर में ही हो गई। आज मेरे भाई बस सोचता हो जैसे ही इतने शब्द कहे हैं तो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया एक बात सुनो क्या सुन अरे अमरत ते आऊंगी ये जल है ना और I'm not afraid of the dark.
देकर के आए, उसके बाद मेरा वचन है, मैं वचन देकर के जा रही हूँ, मैं तब आपके साथ में शादी आगे करूँगा। परीक्षित महाराज ने जैसे ही भेजा, जवाब दिया चले जाओ। जैसे ही गई है नवल देश, स्नान कराया अपने पिता को बासुकु, जो तन के ऊपर कूड़ हो गया था, वो उस जल से स्नान करने से कूड़ दूर हो गया। जब चली है नवल देश, बासु कहने लगे, कहाँ जा रही हो? नवल देश बोली, शादी करने। किनके साथ? जवाब दिया, परिचित के साथ, कि उनके साथ तुम नहीं करोगे। क्यों? कि नहीं, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जवाब दिया, पिताजी वो तुम वचन भूल गए जो अर्जुन को तुमने दिया था, वचन भूल गए। ये तुम्हारी बेटी है, परिचित को वचन दे करके आई है। बाप हमारा वचन भूल सकते हैं, पर इस बासु की लड़की है जो नवल दे, ये वचन अपना नहीं तोड़ सकती। आज मेरे भाई श्रोताओं, जैसे ही आगे बढ़ी है शादी, जिस समय परिचित से की है, परिचित महाराज ने अर्जुन को सारा हाल बताया। जवाब दिया, बाबा ये वो बासु जो है ना, उनकी ये बेटी है, मैं शादी करना चाहते हैं। जवाब दिया, क्यों नहीं? तुम्हारी और नवल देव की तो शादी अपने घर में ही कर दी थी, मंदिर में शादी हुई और शादी होने के बाद में कुछ पल समय व्यतीत हुआ, और व्यतीत होने के बाद पांचों पांडव हिमालय के लिए चले गए। राजा परिचित को बना दिया। इस प्रकार परिचित और नवलदेव की शादी हुई। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा कारण क्या बन गया।